आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट डिफरेंस की तरफ बिटवीन FDI एंड FPI। FDI का फुल फॉर्म क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और FPI का फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FDI इम्प्लाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन फिजिकल और प्रोडक्टिव असेट्स। मतलब यहाँ पर आकर अगर कोई फॉरेनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ के फिजिकल और प्रोडक्टिव असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको कहते हैं FDI। जबकि फॉरेनर्स अगर यहाँ के सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं FPI। FPI मीन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल असेट्स, शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, है ना, तो उसको हम कह सकते हैं FPI। FDI के एग्जांपल एक्विजिशन, जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल के तौर पे किसी वॉलमार्ट है, तो वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को परचेस किया, ठीक है ना, या मारुति एंड सुजुकी का जो जॉइंट वेंचर है। जबकि फॉरेनर्स अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, या इंडियंस अगर फॉरेन की किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट या म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसको कहते हैं FPI। आगे बढ़ते हैं, FDI फ्लोज इनटू प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट आप जानते हैं जहाँ पे नया इशू होता है ना, जब कंपनी पहली बार इशू करती है शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जबकि FPI होता है सेकेंडरी मार्केट में, जहाँ पर हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। जब कोई FDI करता है, जैसे आपने देखा वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसका मैनेजमेंट के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन जब कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो वो मैनेजमेंट के अंदर एक्टिव नहीं होता है। जब कोई किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है तो उसको सिर्फ इंटरेस्ट क्या होता है कि भाई मुझे अपना रेवेन्यू मिलता रहे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता रहे, डिविडेंड है या जो भी इंटरेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, FDI जिसने किया है उसको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि हमने देखा फॉर एग्जांपल गूगल ने यूट्यूब को ख़रीद लिया, तो गूगल को अभी यूट्यूब का जो प्रॉफिट होगा उसमें उनको डेफिनेटली शेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने शेयर्स सिर्फ खरीदे हैं तो उसको फिर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, मतलब कैपिटल गेन होगा, शेयर की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो एप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा। FDI लॉन्ग टर्म होता है, FPI शॉर्ट टर्म होता है। FDI स्टेबल होता है जबकि FPI वॉलेटाइल होता है। FDI के अंदर लिक्विडिटी बहुत ही कम होती है, मतलब आपका जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो जल्दी से आपको नहीं मिलेगा, है ना। जबकि आपने जो यहाँ पे शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स कुछ खरीदे हैं, तो जब चाहे तभी आप उसको बेचकर अपना पैसा ले सकते हो। सो देयर इज हाई लिक्विडिटी इन FPI। FDI में एक बार इन्वेस्ट करने के बाद जल्दी से बाहर आना मुश्किल हो जाता है, इवन एंट्री भी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे और एग्जिट भी डिफ़िकल्ट है, लेकिन FPI के अंदर एंट्री और एग्जिट दोनों ईजी है कंपेरेटिवली। थैंक यू।